Good evening and praise the Lord, dear brothers and sisters and children who are attending the Bible study hour of Life Spring Assembly. और आज की शाम मैं आप सब का अभिवादन और स्वागत करता हूँ, भाइयों, बहनों, जवानों और बच्चों, वे सब जो इस बाइबल अध्ययन में हमसे जुड़े हैं. And today we are going to read chapter 12 of 1 Corinthians verses 8 to 10. और आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय से 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ेंगे. You may open your Bibles to this passage and listen carefully and read along with Pastor Mahendra. और कृपया करके आप अपनी बाइबलों को हमारे संग खोलिए और जैसे मैं इस वचन के भाग को आपके लिए पढ़ता हूँ, आप भी हमारे संग इस वचन को पढ़िए. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी की एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है. Amen. In this passage, the list of spiritual gifts is shown. और वचन के इस भाग में हम आत्मिक वरदानों की एक श्रेणी को देखते हैं. It is shown here to show us how diverse the gifts of the Holy Spirit truly are. और यहाँ पर ये आत्मिक वरदानों की श्रेणी को इसलिए लिखा गया या बताया गया है ताकि हम समझने पाएं कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ये आत्मिक वरदान हैं. The Holy Spirit can gift a person as he wills. और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जैसा चाहे वैसा वरदान दे सकता है. His gifts are many and varied. और उसके वरदान कई सारे हैं और अलग अलग प्रकार के हैं. Now the list here is partial. और यहाँ पर जो श्रेणी लिखी गई है वो आधी अधूरी है. The other gifts are shown elsewhere. और जो दूसरे वरदान हैं आत्मा के वो कहीं और वचन के भाग में मौजूद हैं. Like in Romans 12:6-8. जैसे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक. Ephesians 4:11. और इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 11वां वचन. So we have more than the 12 gifts shown here. और इसलिए हमारे पास इन 12 आत्मिक वरदानों से कई ज्यादा आत्मिक वरदान मौजूद हैं. So first of all, let us consider the gift of word or the message of wisdom. और आइए इसलिए पहले हम उस आत्मिक वरदान की ओर देखेंगे जो कि है बुद्धि का, आत्मा के द्वारा बुद्धि का वरदान. The wisdom in Greek is sophia. और ज्ञान को यूनानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका मतलब है सोफिया. And wisdom refers here is wisdom of God. और यहाँ पर जिस ज्ञान के विषय में बात की जा रही है वो ज्ञान है परमेश्वर का. And let us look into chapter 2 of 1 Corinthians verse 7. और दूसरा पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय उसके 7वें वचन की ओर अगर हम देखें. परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है. आमेन. बट वी इम्पार्ट सीक्रेट एंड हिडन विजडम ऑफ गॉड विच गॉड डिक्रीड बिफोर द एजेस. आमेन. एंड सो विजडम ऑफ गॉड इज द ट्रूथ Now revealed to man by God. और इसलिए आत्मिक वरदान जो ज्ञान का आत्मिक वरदान है, ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है जो अब मनुष्य को प्रकाशित किया गया है. The mysteries of God. और परमेश्वर की वो गुप्त बातें, वो रहस्यमय बातें. Has to be revealed to us by God Himself for us to know it and understand. और परमेश्वर की गुप्त ज्ञान की बातें खुद परमेश्वर हमें जब तक प्रकाशित नहीं करेगा, हम उसे समझ और जान नहीं सकते. The wisdom of God is the truth now revealed
to man in Jesus Christ. और परमेश्वर का ज्ञान वही है जो अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकाशित किया है. It is the whole system of truth. और ये पूरी प्रणाली है सत्य की. Revealed to man by God. जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकट किया है. So that means it is the truth of God. और इसका मतलब है ये परमेश्वर का सत्य है. And the truth of man and the world. और मनुष्य का सत्य और इस संसार का सत्य. And so, when God revealed, He revealed a complete revelation. और जब परमेश्वर प्रकाशित करता या प्रकट करता है, तो एक संपूर्ण प्रकाशन को देता है. Therefore, और इसलिए, the word of wisdom is the ability to share the wisdom and truth in simple and understandable language. ये ज्ञान का जो आत्मिक वरदान है, वो ये वरदान है कि आप ज्ञान की बातों को बड़ी सरलता और बड़ी सरल समझ के संग दूसरों तक बता सकते हैं. It also means the ability to give timely appropriate word to settle a problem. और इसका मतलब ये भी है कि एक ऐसी योग्यता जब आप समय पर किसी को परामर्श या ऐसी बातें ज्ञान की बता सकते हैं जो एक समस्या का समाधान कर सकते. There are times when people may be discussing about it, what is the solution and how to understand this, and suddenly someone who is walking in the spirit will get a word of wisdom from God. और सब लोग बात कर रहे होंगे, मान लीजिए कभी कोई समस्या आई और अचानक से एक को परमेश्वर की ओर से ज्ञान का वो वरदान मिलेगा और वो बताएगा ऐसे इस समस्या का समाधान करें. James chapter 3 verse 17. याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 17वां वचन. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और कपट रहित होता है. So this word, this verse is self-explanatory. और इसलिए ये वचन जो है ये खुद को अच्छी रीति से खुद स्पष्ट करता है. From where does the wisdom come? कि कहां से ज्ञान आता है? And how does it come? और कैसे आता है? And so this is the wisdom for which James asks us to pray. और यही वो ज्ञान है जिसके लिए याकूब हमसे कहता है कि हम प्रार्थना करें. Anyone who lacks wisdom, let him ask of God. और अगर यदि कोई भी ज्ञान को कमी पाता है तो वो परमेश्वर से मांगे. And God is a God who gives us generously and liberally. और परमेश्वर तो एक ऐसा परमेश्वर है जो बड़ी उदारता और बड़ी स्वतंत्रता के साथ हमें देता है. This is practical knowledge. और यही है वास्तविक या प्रभाविक ज्ञान या बुद्धि. It is knowing what to do in the day-to-day situation. और जो बुद्धि आत्मा का वरदान जो कि बुद्धि है वो ये है कि कैसे आप प्रतिदिन में कैसे आपको कैसे बातों को करना है. So, we are now considering word of knowledge. और अब हम आत्मा आत्मिक वरदान बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं. And it is practical knowledge and knowing what to do in the day to day. और आत्मा की ओर से बुद्धि की बातें एक ऐसा वरदान है जो कि आपकी सहायता करता है या एक की सहायता करता है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे कैसे बातों को करना है. It is the ability to apply the wisdom. और ये वो योग्यता है जिसके द्वारा वो ज्ञान को जीवन में प्रभावशाली रूप से लागू करता है. Wisdom on to daily living. और कैसे वो उस ज्ञान की बातों को प्रतिदिन के जीवन में लागू करता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ टू लाइफ. और वास्तविक रीति से सच्चाइयों को जीवन में लागू करना ये है आत्मा से बुद्धि की बातें. इट इज द गिफ्ट टू शेयर विद अदर्स हाउ दे शुड लिव. और ये एक ऐसा वरदान या तोहफा है जो दूसरों के संग बांटा जाता है कि कैसे उन्हें जीना है. That is the word of knowledge. और ये है बुद्धि की बातें. Knowing. जानना.
It is also the ability to tell the truth about a person. और ये एक ऐसी योग्यता भी है जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति के विषय में सत्य की बातों को बता सकते हैं. Which is hidden to himself. जो कि उससे भी छुपी हुई है. And suddenly the Holy Spirit can use somebody to reveal what is in him. और अचानक से पवित्र आत्मा किसी का प्रयोग कर सकता है ताकि वो उसे बताए कि उस व्यक्ति के भीतर क्या है. Sometimes people come for prayer. और कई बार लोग प्रार्थना के लिए आते हैं. And you ask what for? और आप पूछते किस लिए? But he will never tell. और वो नहीं बताते. And so there are people who don't want to reveal. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस बात को प्रकट नहीं करना चाहते. In connection with that, the Gospel according to Saint John. और इससे जुड़ा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय. Verses 16 and 17. सोलहवां और सत्रहवां वचन. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है. यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा. यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं. And so Jesus answered them, my teaching is not mine but his who sent me. If anyone will not anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. So that this passage also is self-explanatory. और ये वचन का भाग भी खुद को बड़ी रीति से अच्छी रीति से स्पष्ट करता है. That means the speaker or through anyone who a revelation comes, it is not his own. और इसलिए एक व्यक्ति जिसकी ओर से वो प्रकाशन आता है वो उस व्यक्ति का नहीं है. And it is the Holy Spirit who gives. ये तो वो पवित्र आत्मा है जो उस प्रकाशन को देता है. And that is the word of knowledge. और यही है ज्ञान का बातें. And thirdly, तीसरा, there is gift of faith. आत्मा से विश्वास का वरदान. This is a special kind of faith. और ये एक खास प्रकार का विश्वास है. There is a general faith to which everybody possesses. और एक साधारण सा विश्वास है जो सब रखते हैं. Well, there is God. कि एक परमेश्वर है. And everybody believes that. और सब इस पर विश्वास करते हैं. And that kind of faith. But this is a special kind of faith, a mustard seed faith. और ये लेकिन एक खास प्रकार का विश्वास है जो कि एक राई के दाने के बराबर का विश्वास है. And it is a strong faith. और एक मजबूत विश्वास. A powerful faith. एक शक्तिशाली विश्वास. A wonder-working faith. और चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला विश्वास. A special gift of faith. और एक खास तोहफा विश्वास का. That enables a believer to do great things. जो एक विश्वासी की सहायता करता है कि वो अद्भुत बातों को महान बातों को पूरा करे. Great things not for himself. और बड़ी बातें अपने लिए नहीं. But great things for God. लेकिन बड़ी बातें महान बातें परमेश्वर के लिए. And great things for God's people. और बड़ी बातों को परमेश्वर के लोगों के लिए करे. And the Gospel according to Saint John chapter 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय. Verse 12. और बारवा वचन. It says, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. So, gift of faith. और इसलिए विश्वास का तोहफा. And as I said, this is a special kind of faith that enables a believer who is available to the Holy Spirit give to such person. और जैसा मैंने बताया, एक खास प्रकार का विश्वास है जो एक विश्वासी के पास होता है, जो पवित्र आत्मा के प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध रहता है. And fourthly, then there is the gift of healing. और चौथा,
एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। And this is a gift which enables the believer either to be healed or impart healing। और ये एक ऐसा वरदान है जो एक विश्वासी की सहायता करता है कि या वो खुद चंगा हो जाए या दूसरों को चंगा कर दे। And God can, the Holy Spirit can use for either। और पवित्र आत्मा इन दोनों बातों के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। Well, if you are sick, अगर आप बीमार हैं, that means, इसका मतलब है, you don't have to suddenly call the pastor, oh, I am having a headache, I am having a stomach problem, please pray. No. तब आपको अचानक से तुरंत पासवान को फोन करके ये कहने का जरूरत नहीं, पासवान मुझे जो है सर दर्द है, मुझे पेट दर्द है। You as a child of God, लेकिन आप परमेश्वर की संतान होते हैं, can exercise that faith to be healed. आप उस विश्वास को कार्य में ला सकते हैं कि आप चंगे हो जाएं. And you come against that sickness and command the sickness to leave your body. और आप उस बीमारी के विरुद्ध आ जाएं और उसे अनुआज्ञा दें कि वो आपके शरीर से दूर चली जाए. And you can be healed. और आप चंगे हो जाएंगे. And also, और साथ ही साथ, God can use you to have a faith to pray for someone else who is sick, and that person can experience healing. परमेश्वर आपका प्रयोग कर सकता है कि आप बड़े विश्वास के संग किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिसे चंगाई की आवश्यकता है, और वो व्यक्ति भी चंगा हो सकता है. This gift has been minimized or de-emphasized for ages. लेकिन आत्मिक चंगाई के आत्मिक वरदान को कई युगों से निचला आंका गया है, या उसकी जो उपाधि है उसे नीचे स्तर पर रखा गया है. That नीचे, but it also sometimes we can emphasize and bring it to the other extreme. और लेकिन कई बार हम इस पर ज्यादा ध्यान लगाते हुए इसे एक दूसरी सीमा, चरम सीमा की ओर बढ़ा देते हैं। But now by the coming of the Lord Jesus Christ, लेकिन अब जब यीशु मसीह का आगमन होगा, it is being rediscovered, इसे फिर से खोजा जा रहा है। It is either hidden in the past, या वो भूतकाल में ढका हुआ था, छुपाया गया था, or took it to the extreme, या उसे एक दूसरी चरम सीमा पर ले जाया गया। Now when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, It is rediscovered. उसे फिर से खोजा गया। The Mark chapter 16. मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। Verses 17 and 18. 17वां और 18वां वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। And this is when you are being used by the Holy Spirit to pray for someone else by laying your hand. और ये तब होगा जब पवित्र आत्मा आपका प्रयोग करेगा, जब आप किसी दूसरे के लिए अपने हाथ को रख कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। See, you consider what we read here. और देखिए मरकुस में वचन के जिस भाग को हमने पढ़ा। You don't have to stand in front of the patients or sick person and start cursing and start shouting, start rebuking and all that sort of things. और आपको बीमार व्यक्ति के सामने खड़े होकर उस बीमारी को श्राप देने की जरूरत नहीं, उसे डांटने फटकारने की जरूरत नहीं। The only condition is, सिर्फ एक ही शर्त है, that you be a person who walks in the spirit and be available to the Holy Spirit to use. आप ऐसे व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा में चले और पवित्र आत्मा के प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध रहे। And here it says, if you lay your hands on the sick, और यहां पर लिखा है, अगर तुम बीमारों के ऊपर अपने हाथों को रखोगे, there shall be healed. वो चंगे हो जाएंगे। That's all it is, that is needed. और सिर्फ इतना ही जरूरी है। So compared with the how some people go around and in the name of healing ministry. और इसकी तुलना करें कुछ लोगों से जो चंगाई की सेवा के लिए को लेकर इधर उधर जाते हैं। The curse and the rebuke, they binds and they cancel. श्राप देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बांधते हैं। But still there is no healing. लेकिन फिर भी चंगाई नहीं मिलती। So my friends, remember it is unless the Holy Spirit gives you that enablement. और इसलिए मेरे प्रियों, पवित्र आत्मा आपको सशक्तिकरण देता है। In a general way,
We can always pray for those who are sick. और एक साधारण रूप से हम हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो बीमार हैं. It is just claiming the promise of God. और ये तो सिर्फ ऐसा ही है जब हम परमेश्वर के वादे को अपने जीवन के लिए मांगते हैं. I am the Lord who heals you. क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता है. And fifthly, और पांचवी बात, miraculous powers. और सामर्थ के काम करने की शक्ति. This would refer to miracles other than healing. और ये चमत्कार बात करते हैं चंगाई के अलावा दूसरे चमत्कारों के विषय. There are times when believers are faced with circumstances. ऐसे कई सारे समय हैं जब विश्वासी कई सारी ऐसी परिस्थितियों से होकर के निकलते हैं. And the situation we face when is need when we need a miraculous deliverance. या ऐसी परिस्थिति से होकर के हम निकलते हैं जहां पर हमें एक चमत्कारी छुटकारे की आवश्यकता है. Oh, there are many believers who experience this kind of deliverance miraculously when there was no way. और ऐसे कई सारे विश्वासी हैं जिन्होंने इस चमत्कारी ढंग से परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव किया है जब और कोई दूसरा मार्ग या तरीका था ही नहीं. We have testimonies. और हमारे पास गवाहियां हैं. And so that is what this miraculous powers. और यही है सामर्थ के काम करने की शक्ति. Where people experience miraculous deliverance. जहाँ पर लोग चमत्कारी रूप से छुटकारों का अनुभव करते हैं. From dangers. और खतरों से. From other calamities that can suddenly come upon. और ऐसी आपदाएं जो अचानक से एक के ऊपर आ जाती हैं. It could be a storm is to be seized. यह एक तूफान हो सकता है जिसे रोकना जरूरी है. Jesus stilling an enemy is temporarily blinded. और जैसे जब यीशु उस तूफान को शांत कर देता है और शत्रु अंधा हो जाता है. And so that can happen. और ऐसा हो सकता है. Some thief wants to break in. और एक चोर दरवाजा तोड़ के भीतर आना चाहता है. Suddenly. अचानक से. No one else may see, but that thief begin to see. कोई और नहीं देख सकता. Someone standing with a sword. कोई और नहीं देख सकता, लेकिन वो चोर किसी को एक को एक तलवार के संग वहाँ खड़ा हुआ देखता है. And suddenly he runs away. और अचानक से वो भाग खड़ा होता है. A fire to be turned on or put out. Paul being delivered from a poisonous snake. और जैसे एक आग जिसे बुझाया जाना या जलाया जाना जरूरी है, जिस प्रकार से पॉल को एक जहरीले सांप से बचा लिया गया. So such kind of dangers. और ऐसे खतरे. And I myself has experienced it several times, and God brought me out of the jaws of death. और मैंने खुद कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया और परमेश्वर ने मुझे मौत के शिकंजे से बाहर निकाला. And it can happen. और ऐसा हो सकता है. One day I was crossing a field and it was evening time. और the visibility was very poor. और एक दिन मैं एक मैदान को पार करके जा रहा था और शाम का समय था और अंधेरा था, इसलिए देखने में ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते थे. I was about to step on the middle part of a king cobra lying straight like this. और एक किंग कोबरा जो सांप होता है, मैं अपने पैर को उसके बीच में, उसके शरीर के बीच के भाग पर रखने ही जा रहा था. As the foot of my leg was almost touched the surface, suddenly I began to see there is something wrong. और लेकिन जैसे ही मेरा पैर उस सांप को छूने वाला था, अचानक से मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है. See, that is a miraculous deliverance. और ये देखिए एक चमत्कारी छुटकारा है. And so, God is a God who cares. और इसलिए परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो चिंता करता है. Praise God. There has been an abuse of this gift to ridiculous point. और इस वरदान का शोषण किया गया है एक चरम सीमा तक. And so we need to be careful how we use the gifts that the Holy Spirit Himself and alone can give.
और इसलिए हमें इस बात को सुनिश्चित करना है और देखना है कि कैसे हम उस वरदान का प्रयोग करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें देता है। Stick to the word. परमेश्वर के वचन पर बने रहें। And don't add anything to it. और उस वचन में कुछ जोड़े नहीं। And give our own interpretation. और अपने अनुवादों को ना लाएं। The sixth gift is the gift of prophecy. और जो छठा वरदान है वो है भविष्यवाणी का वरदान। What is this? और ये वरदान क्या है? It is speaking under the influence of the inspiration of God's Spirit. और ये वरदान है कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित होकर बातों को बोलते हैं। It includes both prediction and proclamation. और इसमें दोनों बातें सम्मिलित है, जिसमें आप भविष्यवाणी करना या परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। So that is gift of prophecy. और यही है भविष्यवाणी का वरदान। So every time I am teaching you. और इसलिए हर बार जब मैं आपको सिखाता हूँ, it is a form of a prophecy. ये एक भविष्यवाणी का तरीका है। But then there are times when we give out predictions. लेकिन कई बार ऐसे समय भी होते हैं जब हम भविष्यवाणियां भी देते हैं. So it can be either. और ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. Seventhly, सातवां वरदान, discerning or distinguishing of spirits. आत्माओं की परख का वरदान. You must understand there are all kinds of spirits in the universe, in the world. और आपको इस बात को समझना है कि इस संसार में हर प्रकार की आत्माएं मौजूद हैं। And sometimes people can be deceived. और कई बार लोग धोखा खा सकते हैं। But someone can misuse this gift. या कोई इस तोहफे, इस वरदान का गलत प्रयोग कर सकता है। This is a gift that is desperately needed by believers of all time. ये एक ऐसा वरदान है जिसे एक बड़ी ललक के संग हर एक युग के विश्वासी को आवश्यकता है। During Paul's time, there were false teachers and false prophets. पौलुस के समय में भी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक मौजूद थे। And this false spirit. और इसके द्वारा झूठी आत्माएं। And today also there is a multiplication of these. और आज के दिन भी इन सारी बातों को हम बढ़ता हुआ देखते हैं। And so we desperately need to have this gift that we may correctly distinguish. और इसलिए ये वरदान हम में से हर एक के पास होना जरूरी है, ताकि हम बड़ी सही रीति से हर एक बात को पहचान सके। Because there are always false prophets and false teachers. क्योंकि हमेशा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। And we need to be kept from being led astray. और हमें बचना है कि ये हमें भटकाने या हमें धोखा देने दिन ना पाए। And this gift enables a believer to know what is of the Lord and not of the Lord. और ये वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, एक विश्वासी की सहायता करता है कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। And in the first John chapter 4, और पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, verse 1, we read like this. और पहले वचन से हम इस बात को पढ़ते हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। And that's very clear. और ये बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा गया है। We as believers need to have a believe in the Holy Spirit to give us this gift of discernment. और इसलिए एक विश्वासी होते हुए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है कि पवित्र आत्मा हमें इन आत्माओं की परख के वरदान का तोहफा वर जरूर दे। And again, Second Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों, verse 11, ग्यारहवां अध्याय, verse 13 to 15, तेरे वचन से लेकर पंद्रहवें वचन तक, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बातें नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं,
परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। So this passage is very self-explanatory. और ये वचन का भाग भी खुद को बड़ी स्पष्ट रीति से बतलाता है। I encourage you to read it again. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप फिर से वचन के इस भाग को पढ़िए। Along with 2 Corinthians chapter 11. और दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक। So read these passages again. और इसलिए ये दोनों वचन के भागों को आप फिर से पढ़िए। And now you know what the spirit of discernment is. और अब आप जानते हैं कि आत्माओं की परख का वरदान क्या है। There are all kinds of deceptive spirit. हर प्रकार की धोखा देने वाली आत्माएं मौजूद हैं। Deceiving teaching. और झूठी धोखा देने वाली शिक्षाएं। So number 8. और आठवां वरदान। The gift of tongues. अन्य भाषा में बात करने का वरदान। This is a gift of deeply emotional speech. और ये एक ऐसा वरदान है जिसमें आप बड़े गहरे रीति से भावनात्मक रूप से अन्य भाषा में बात करते हैं। This is a gift earnestly desired by people familiar with the gift. और ये एक ऐसा वरदान है जिसको बड़ा लौ लगाकर लोग मांगते हैं जो इसके विषय में जानते हैं। Because it brings people into a deep sense of God's presence. क्योंकि ये वरदान लोगों को विश्वासियों को परमेश्वर के एक गहरे ज्ञान और नजदीकता में लाता है। And this also enables a believer to spend hours praying in an unknown tongue. और ये एक विश्वासी की सहायता भी करता है कि वो घंटों तक एक अनजानी भाषा में परमेश्वर से बात करे, उसकी आराधना करते रहे। What is the language spoken? और कौन सी भाषा बोली जाती है? No known language. और ऐसी भाषा जिसे नहीं जाना जाता। Secondly, it is some foreign language unknown to the speaker. लेकिन ये एक ऐसी भाषा है जो बोलने वाले को बिल्कुल पता नहीं। Thirdly, तीसरा, it can be a heavenly language. और एक ये स्वर्गीय भाषा हो सकती है। But it is not necessary that the speaker knows what he or she is. और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बोलने वाला इस बात को जाने कि वो क्या बोलता है। But the Bible says you are speaking mysteries of God. लेकिन बाइबल बताता है कि तुम परमेश्वर की रहस्य की बातों को कहते हो। And so ninthly, और नवा वरदान, interpretation of tongues. और अन्य भाषाओं का अनुवाद करना। This is simply what it says. और यही ये वरदान वही है जो वचन में अभी हमने पढ़ा। What is spoken in an unknown tongue? और जो एक अन्य भाषा में बोला जाता है। Is interpreted in the known tongue. उसे उसका अनुवाद किया जाता है एक ऐसी भाषा में जिसे जाना जाए। So that everybody in the congregation is benefited. ताकि कलीसिया में मौजूद हर एक उसका लाभ उठा सके। The Spirit of God gifts some people to interpret the tongue. और इसलिए परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों को यह वरदान देता है कि वो अन्य भाषाओं का अनुवाद करें। And so this is the explanation of each gift. और यही हर एक वरदान का शिक्षा है या बात है। So what is the lesson we can learn? और यहाँ पर किस क्या शिक्षा हम सीख सकते हैं? All the gifts are given by one and the same spirit. कि सारे वरदान एक ही आत्मा और एक ही आत्मा से दिए जाते हैं। Secondly, दूसरी बात, God's gifts do not come from any other source. परमेश्वर के वरदान किसी दूसरे स्रोत से नहीं आते। They cannot be earned. उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। They cannot be merited. उनका कॉपी नहीं किया जा सकता। Or they cannot be worked up. या उनको काम करके आप परमेश्वर को प्रसन्न करके नहीं जीत सकते। Because no one deserves God's grace. क्योंकि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह के काबिल नहीं है। And secondly, और दूसरी बात, the Spirit of God endows the believers with his gifts as he wills. परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके विश्वासियों को उन पवित्र आत्मा के वरदानों से सुशोभित करता है जो वो चाहता है। He knows what gift is needed. वो जानता है कि किस वरदान की आवश्यकता किसको है। When it is needed. कब उसकी आवश्यकता है। And where it is needed. कहां उसकी आवश्यकता है। And why it is needed in that place. उसकी आवश्यकता है उस स्थान पर।
All these things I don't know. और ये सारी बातें मैं नहीं जानता। But the Spirit of God knows. लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा। But if I am open to the Holy Spirit. लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा के प्रति खुला हूँ। Then the Spirit can use me. तब पवित्र आत्मा मेरा प्रयोग कर सकता है। For His glory. अपनी महिमा के लिए। So these are the two lessons we can. और ये वो दो शिक्षाएं हैं जो हम इस भाग से सीख सकते हैं। Concerning these gifts. इन वचन इन वरदानों के विषय में। And all the gifts are given by one and the same Spirit. सारे वरदान एक ही आत्मा से दिए जाते हैं। And secondly, दूसरी बात, the Spirit of God endows the believers with His gifts as He wills. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा विश्वासियों को उन वरदानों को देता है जो वो चाहता है। He can use anybody. वो किसी का भी प्रयोग कर सकता है। The only condition is you must be a person who walks in the Spirit and be conscious of the Holy Spirit and be available to the Holy Spirit. सिर्फ एक ही शर्त है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध हो, पवित्र आत्मा में चलते हो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। I hope today's lesson was beneficial to you. मुझे पूरी आशा है कि आज का ये शिक्षा का भाग आपके लिए लाभ का समय रहा। There are 9 gifts mentioned here. नौ वरदानों के विषय में यहाँ बात की गई है। And but there are more gifts in other passages. लेकिन वचन के दूसरे भागों में और कई वरदानों के विषय में हम पढ़ते हैं। But these are the 9 gifts that is overemphasized or less emphasized. लेकिन ये वो नौ वरदान हैं जिनके विषय में कम बात किया जाता है या कम ध्यान दिया जाता है। But let us be very careful lest we misunderstand, misinterpret. और misuse. लेकिन हम बड़े सावधान बने रहें ताकि हम इन वरदानों को गलत अनुवाद ना करें, गलत रीति से प्रयोग ना करें। If I am chosen, अगर मुझे चुना जाता है, it doesn't mean I am holier than the rest of you. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों से कहीं ज्यादा पवित्र हूँ। But the Holy Spirit chooses. लेकिन पवित्र आत्मा प्रयोग करता है। He knows every soul. वो हर एक आत्मा को जानता है। And he also knows what is needed at a given time somewhere. और वो ये भी जानता है कि एक दिए गए समय में किस आवश्यकता, किस बात की आवश्यकता। And so may the Holy Spirit enlighten us. और होने दे पवित्र आत्मा हम सबको प्रकाशित करे। Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा। I thank you for today's lesson. हम धन्यवाद करते हैं आज की शिक्षा के लिए। Let the believers who listen to this और होने दे विश्वासी जो शिक्षा को सुनते हैं possess the right understanding about these gifts. होने दे इस वरदानों के विषय में सही समझ को रखें। And may the Lord's name be glorified. और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Tonight some of these passages I have given, please read before you sleep. आज की रात सोने से पहले वचन के कुछ भाग जो मैंने आपको दिए, कृपया ने दुबारा जरूर पढ़िए। And be a blessing to others. और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरिए। And may the Lord enrich you in your understanding. और होने दे परमेश्वर आपकी समझ में आपको और बढ़ाए। Amen. Amen.